तो वही हल्द्वानी में पिछले दिनों पुलिस कर्मी की पत्नी से हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दरअसल सीओ नितिन लोहनी ने अंतरराज्यीय गिरोह का खुलासा करते हुए बताया कि टीपी नगर पुलिस ने लाखों के जेवरात के साथ तीन अंतरराज्यीय शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चोर उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के रहने वाले हैं, जिन्हें पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पकड़े गए चोरों का लंबा आपराधिक इतिहास भी रहा है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, ये 16/4/2024 की घटना थी, जिसमें देवलचौड़ के पास ये घटना अंजाम दी गई थी, और इसमें 100% रिकवरी है। लगभग 4 लाख के आसपास का माल है, और ये जो लोग हैं ये रहने वाले बिलासपुर के हैं, बिलासपुर रामपुर के रहने वाले लोग हैं। तीन अभियुक्त हैं इसमें, इसमें दो अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास अभी तक पता चल गया है, जिसमें से जो सदाम है, मुख्य अभियुक्त है, उसका 5 मुकदमे उस पर हैं, जिसमें से एक रुद्रपुर में है, 2 बरेली में है, 2 रामपुर में है। अन्य का जो भी आपराधिक इतिहास है, इसे ICS पोर्टल के माध्यम से और अन्य साधनों से भी चेक करवाया जा रहा है। इनमें से एक आदमी टारगेट के साथ बैठता था, मैजिक या किसी भी गाड़ी में वहाँ बैठ जाता था, उसके बाद पिन के माध्यम से ये जो बैग है उसमें सेंध लगाते थे, उसके बाद वहाँ से उतर के वो अपने साथियों के साथ बाइक में बैठ के ही घटना को अंजाम देके निकल जाते थे।